एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, हमारे वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टोटका जिसकी मदद से आप किन्हीं भी दो व्यक्ति को अलग कर सकते हैं। इस टोटके को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप बिना कोई गलती किए हुए इस टोटके को पूरा कर पाएंगे। चलो जानते हैं आज के हमारे इस विशेष टोटके के बारे में। कभी कभार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जिनमें कुछ ऐसे कदम अपने को उठाना पड़ता है कि कोई दो ऐसे व्यक्ति जिनको अलग करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमारे परिवार में दो व्यक्तियों का ऐसा गुट हो जाता है जो मिलकर हमारे नाक में दम कर देते हैं, चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो मायके में हो, कहीं पर भी हो, उनकी वजह से हमें दुख का अनुभव होता है। इसलिए उनको अलग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभार यह भी होता है कि आपका पति आपको छोड़कर किसी और औरत के साथ चला जाता है या किसी और औरत को अपनी पत्नी स्वरूप मानने लगता है। तो इस सिचुएशन में हमारे यानी कि आपके शादीशुदा जीवन में जहर घुल जाता है और उन दोनों का अलग होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर समय रहते हम उनको अलग नहीं करते हैं तो हमारा डिवोर्स होने तक की बात आ जाती है। तो इस सिचुएशन में उनको अलग करने के लिए, इस परिस्थितियों में उनको अलग करने के लिए यह टोटका मैंने आपको उपलब्ध कराया है। आप इस टोटके की मदद से अपने पति और उस सौतन को अलग करके अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं। साथ ही साथ यह टोटका उनके लिए भी बहुत ही खास है जो अपने प्यार को खो चुके हैं। कभी कभार छोटी सी लड़ाई झगड़े की वजह से आपका प्यार आपको छोड़ के चला जाता है और वो किसी दूसरों की बातों में आ जाता है और उससे प्यार कर बैठता है, या उसकी बातों में आने से वो आपको नफरत करने लगता है। तो उन दोनों में झगड़ा कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उन दोनों में झगड़ा कराने के लिए भी हमारा ये टोटका कामगार सिद्ध होता है। तो चलो जानते हैं आज के हमारे इस शक्तिशाली टोटके के बारे में। इस उपाय को करने से पहले आपको एक बार उन दोनों व्यक्तियों का चेहरा अपने मन में यानी अपने दिमाग में ध्यान लाना है, यानी उसको अपने नज़रों के सामने से निकालना है ध्यान में। फिर दो लाल मिर्च लेनी है और इन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करनी है। लाल मिर्च आपको दाई मुट्ठी में ही बंद करनी है। उसके बाद में आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। मंत्र जाप के बाद मिर्च को आग में डालकर जला दें। फिर देखना, आप कुछ ही मिनटों में उन दोनों में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर वे दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। वैसे तो हमने आपको टोटके में सारी बातें बताई है, उसके बावजूद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आप टोटका करते हो और आपको फल नहीं मिलता है तो आप गुरुजी से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो और टोटके से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने इष्ट मित्र परिवारजन में जरूर शेयर करें।